हेलो नेहा भैया, रोहित हेलो, सुशांत आ गए सभी, जल्दी कनेक्ट हो। हेलो, गुड आफ्टरनून। चलो करें क्लास स्टार्ट। देखो, पहले कुछ पढ़ रहे थे अबाउट कि हमारे पास दो तरह के रिएक्शंस हैं, दो दो एनर्जी होती हैं। बस कल लास्ट है चैप्टर काइनेटिक्स में, गया एक लेक्चर का और एक दिन क्वेश्चंस करेंगे, तो मोस्ट प्रोबली परसों तो फाइनल बंद कर देंगे चैप्टर को। कल एक टॉपिक है, नेक्स्ट है कैटलिस्ट, और परसों फिर नेक्स्ट चैप्टर, या परसों तक क्वेश्चन कर लेंगे एक दिन और चैप्टर के। ठीक है, तो हमने कल क्या पढ़ा था, दो तरह की एनर्जी होती है, एक्टिवेशन और थ्रेशोल्ड। सब लोग पढ़ के हैं शायद उसे, दो तरह की एनर्जी की बात चल रही थी कल। वन इज एक्टिवेशन एंड सेकंड इज थ्रेशोल्ड। ध्यान है सभी को? क्या पढ़ा हम लोगों ने लास्ट क्लास में? एक्टिवेशन क्या होती है, थ्रेशोल्ड का मतलब होता है मिनिमम एनर्जी जो होनी चाहिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास ताकि वो आपस में मिल सके। थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट हैव सो दैट देयर कोलिजन इज इफेक्टिव एंड दे गिव सम प्रोडक्ट। तो दो रिएक्टेंट है मान लो ए और बी, उन दोनों को जुड़ने के लिए एनर्जी कौन सी चाहिए? मान लो कोई कैटलिस्ट है, रिएक्टेंट है मान लो ए, इट कंबाइन विद बी एंड इट फॉर्म प्रोडक्ट ए बी। मान लो रिएक्टेंट ए है मान लो और एक बी है, दोनों आपस में मिले रहे, मिलने पर स्टार्टिंग में क्या होगा, पुराने वाले बॉन्ड क्या होंगे, वीक होंगे, और नए वीक बनने शुरू होंगे। इनिशियली रिएक्टेड एब्जॉर्ब एनर्जी एंड पुराने वाले बॉन्ड क्या हुए, वीक होने शुरू हो गए, पुराने वाले वीक हो गए। तो पुराने बॉन्ड ये वाले हैं, ये पुराने बॉन्ड है, पुराने वाले बॉन्ड क्या हुए, वीक होने शुरू हो गए, और धीरे धीरे क्या हुआ, नए बॉन्ड होने स्ट्रॉन्ग हो गए। अरे किसी का नया बॉन्ड जब बनेगा तो पुराने वाले भी तो वीक होगा ना धीरे धीरे। कोई तुम में से दो लोग हो, उन दोनों का अगर बॉन्ड धीरे धीरे वीक होगा तो थर्ड पर्सन आकर फायदा उठाएगा उसका। तो पुराने वाले बॉन्ड जब कमजोर होंगे तो शोर में डूबी नहीं, पुराने वाले बॉन्ड ये थे, ये वीक हुए, ये वीक हो गए, नए वीक होने शुरू हुए। इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसके बाद पुराने वाले टूट जाएंगे और नए बॉन्ड बनेंगे फॉर्म ए बी। इट फॉर्म ए बी, ये वाला बॉन्ड पहले धीरे धीरे वीक हुआ, ये वाला वीक हुआ, नए बॉन्ड होने शुरू हुए, ये नए बॉन्ड होने, यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा कंप्लीटली, ये ब्रेक हो जाएगा। इट फॉर्म ए बी एंड ए बी टू ए बी। तो व्हेन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब एनर्जी, व्हेन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब एनर्जी, द बॉन्ड स्टार्ट लूजन एंड न्यू बॉन्ड, न्यू वीक बॉन्ड स्टार्ट फॉर्मेशन, देयर बॉन्ड्स आर लूजन एंड न्यू वीक बॉन्ड स्टार्ट फॉर्मिंग, न्यू वीक बॉन्ड स्टार्ट फॉर्म या आर फॉर्म बिटवीन देम। दिस स्टेट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, दिस स्टेट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इतनी बस समझ आई को? ये बस समझ आ गई क्या बोल रहा हूं मैं? व्हाट इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, कोई दिक्कत इसमें? ये जो बीच स्टेज बनी ना, ये इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेज या एक्टिव कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट। This transition state is unstable. देखो, कल हम बात कर रहे थे एक टर्म एक्टिवेशन एनर्जी,
ओके नेहा को तो याद होगी कल वाली क्लास। कल बात चल रही थी एक्टिवेशन एनर्जी एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में, तो हम लोगों ने कल ये पढ़ लिया था एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। कल पढ़ा था हम लोगों ने एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड माइनस एवरेज एनर्जी। देखो ये हम लोगों ने पढ़ लिया लास्ट क्लास तक, सबको ध्यान होना चाहिए, इतना काम कर लिया हम लोगों ने पिछली क्लास तक, ध्यान है सभी को। तो बात चल रही थी, मान लो अगर किसी एक रिकेट के पास मान लो एनर्जी है, अगर सपोज 80, उसको रिक्वायर्ड है 100, तो 20 देनी पड़ेगी। एक्टिवेशन क्या होता है कि 20, थ्रेशोल्ड 100, एवरेज 80, एक्टिवेशन 20। तो कल मैंने कहा था आपको कि हमारे पास बेसिकली एवरेज एनर्जी पहले होती है कुछ ना कुछ सेकंड के पास, बट रिएक्टेंट आपस में कंबाइन नहीं कर पाते। हमारे पास अभी सराउंडिंग में कल बात चल रही थी कि एलपीजी भी है, लकड़ी भी है और ऑक्सीजन भी है। लकड़ी को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन फिर भी दोनों मिलकर और आग नहीं लगती अपने आप। रीजन उनके पास एनर्जी 80 जूल है, उनको भिड़कर और कुछ बनाने के लिए 100 चाहिए, तो 20 हमें देनी पड़ती है सराउंडिंग से। तो इन दोनों में एनर्जी कितनी, शुरू में 80 चाहिए, कितनी 100 चाहिए, 100 है 80 चाहिए, 100 इनको 100 चाहिए है 80, तो 20 जूल ले लेंगे, 20 जूल लेकर और दोनों मिल जाएंगे और देखो हुआ ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन अनस्टेबल होती है तो ब्रेक हो जाएगा, अपना देगा एक मिनट। तो हमारे पास एनर्जी का ग्राफ क्या बनेगा, ग्राफ ऑफ एनर्जी विद प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। अब ग्राफ क्या बनेगा इसका, शुरू में एनर्जी कितनी है रिएक्टेंट के पास 80, तो शुरू में लिया लोगों ने 80, चाहिए कितनी 100, ये 100 चाहिए, सुना ये 100 है थ्रेशोल्ड वैल्यू। अब वहां जाने के लिए क्या करेगा ये, अरे भाई है उसके पास 80 चाहिए 100, तो वहां जाने के लिए 20 जूल लेगा, तो ग्राफ कैसे बढ़ेगा, शुरू में 80 थी, रिएक्शन बढ़ती गई आगे, उसने 20 अब्सॉर्ब कर ली, तो कितनी हो गई 100 हो गई उसकी। जैसे 100 बनी, 100 पे क्या बनेगा, इट फॉर्म अ ट्रांजिशन स्टेट, यहां बन जाएगी ट्रांजिशन स्टेट। अब ट्रांजिशन स्टेट में वो स्टेबल तो है नहीं, है तो अनस्टेबल, वो ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है वो अनस्टेबल, जैसे ही वो स्टेबल होना चाहेगा तो ब्रेक हो जाएगा वो, और ब्रेक होने में एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी जब वो ट्रांजिशन स्टेट आ गई उसकी, ट्रांजिशन स्टेट बन गई यहां पर। अब आगे दो प्रोसेस है हमारे, या तो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। अगर एक्सो होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, पता सभी को, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, अगर रिएक्शन क्या हमारी एक्सोथर्मिक, तो जब प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा, जितना स्टेबिलिटी बढ़ती है एनर्जी उतनी कम होती है, पता ही है स्टेबिलिटी बढ़ेगी एनर्जी क्या होगी कम, पता होगा सभी को, जितना स्टेबल होगा उतना एनर्जी कम होगी, हमेशा हम पढ़ते रहते हैं बात, तो ये जितना मोर स्टेबल उतना एनर्जी कम, या वैसे आप ये स्टेबल नहीं है, अभी नीचे आएगा एनर्जी कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी इसकी। तो ये जनरली हम पढ़ते हैं वैसे भी केमिस्ट्री फिजिक्स में, तो ये ट्रांजिशन स्टेट ऐसी है, ट्रांजिशन तक पहुंचा ये, इट फॉर्म इंटरमीडिएट बट अनस्टेबल हो जाएगा, अभी स्टेबल होने के लिए क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा वो और एनर्जी कम हो जाएगी, कम होकर कहां पहुंच जाएगी, अगर एक्सो है तो इससे ग्राफ नीचे आ जाएगा, एंडोथर्मिक है तो इससे ऊपर रहेगा, तो अगर ये रिएक्शन मान लो क्या है एक्सोथर्मिक, तो ग्राफ जाएगा यहां से यहां तक के, तो ये एनर्जी क्या होगी, एनर्जी ऑफ ब्लड कहीं ना कहीं 60 जूल। तो ये उसने ये क्या हमारी यहां से यहां तक, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, दिस इज 20 जूल, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ये 20 जूल क्या है एक्टिवेशन, कितनी हो गई ये 20 जूल, ये 80 क्या है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, ये 60 क्या है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, और ये क्या है 100 थ्रेशोल्ड एनर्जी। अरे भाई ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, मान लो उसने थी 80, मान लो 80 थी, 20 उसने ली तो हो गई 100 पर क्या हुआ टांका भिड़ा, 100 पे क्या हुआ इन दोनों ने मिलकर, इन दोनों ने 80 थी इनका स्पेलिंग, 20 हमने दे दी इसको, 100 पे क्या हुआ इट फॉर्म सम न्यू बॉन्ड, अरे नए रिश्ते बनने के लिए 100 चाहिए, 80 पहले थी, 20 उसने ले ली तो 100 हो गई, 100 पे ट्रांजिशन बनी उसकी,
लेकिन ट्रांजिशन स्टेबल नहीं होती, स्टेबल नहीं है तो ब्रेक होगा, ब्रेक होगा तो एनर्जी धीरे धीरे कम हो जाएगी, कम होगा कहां पहुंच जाएगी, अगर ये रिएक्शन है हमारी एग्जोथर्मिक तो HCl से कम हो जाएगी, मान लो 60 तक पहुंच गया वो, तो 20 जूल एनर्जी रिलीज हुई, जब यहां पहुंच जाएगा तो ये डायनामिक्स में आ रही है, ये एनर्जी रिलीज है, जो एनर्जी मिली हमें, एनर्जी रिलीज ओके okay, ग्राफ एंडोथर्मिक है तो एंडो वाले में ऐसा बनेगा, इतनी अब्सॉर्ब ये रेटेंट की, ये ब्लड की, तो ये अब्सॉर्ब करेगा इतनी, वो समझा नहीं समझे, अरे समझे कुछ क्या नहीं, अरे ये ना समझो मैं एंडो द्वारा बना लेंगे, ये बताओ कोई डाउट है इसमें किसी को, यहां तक कोई डाउट किसी को, कोई डाउट है इसमें किसी को बताओ जल्दी से, एनी डाउट, हेलो मुन्ना सुन रहा मेरी बात, चलेंगे आगे, अरे बता दिया करो भाई चलना नहीं चलना, नो चले, ये भी एक लाइन ऐड कर लो, व्हेन दिस कॉम्प्लेक्स ब्रेक्स, व्हेन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ब्रेक्स एंड फॉर्म फाइनल ब्लड, इट इज अकंपनीड बाय रिलीज ऑफ एनर्जी, इट डिपेंड्स ऑन बेटा, मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर एनर्जी से मैं रिलीज बोल रहा हूँ ना, ये तो रिलीज होगी तो डिपेंड करेगा ये रिएक्टेंट कौन सा है हमारे, मतलब रिएक्शन का एंडो या एक्सो होना डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्शन हमारी एंडो है या एक्सो है, इट डिपेंड ऑन नेचर, तो यहाँ पर अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो डिपेंड करेगा रिएक्टेंट कौन सा है हमारे पास, कि रिएक्शन का नेचर कैसा है, एंडो या एक्सो है, समझ रहे हो बात, चलो ओके ठीक है, ग्राफ रिपीट, ओके ग्राफ रिपीट करता हूँ, चलो चलो ओके, देखो दोबारा सुनो मैं ग्राफ कैसे बना, देखो सुनो फिर से ग्राफ बना कैसे, ये बहुत मेन ग्राफ है सुनो ध्यान से, एक बार स्क्रीनशॉट लो सभी, ग्राफ कैसे बना फिर सुनो एक बार, आपके पास शुरू में एनर्जी कितनी रिटेन किया था 80, जिन्होंने कल क्लास करी उन्होंने बताओ कल वाली क्लास, इस ग्राफ का लिंक है कल वाली क्लास है, तो प्लीज ध्यान सुनना एक बार, कल हम क्या पढ़ रहे थे, कल आप लोगों ने ये पढ़ा था इसके अंदर किसी भी रिएक्शन के होने के लिए मानो 100 जूल एनर्जी है आपको, 80 पहले है उसके पास तो 20 हमें देनी पड़ती है, तो हमें उस रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए कितनी देनी पड़ी 20 जूल, 100 चाहिए थी 80 पहले थी, तो हमें एक्टिवेट करने के लिए जो देनी पड़ी ना 100 होते हैं 20 जूल, मिनिमम एनर्जी विच रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिक्वायर फॉर देयर इफेक्टिव कोलिजन इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन इज एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर टू मेक द कोलिजन इफेक्टिव इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड मींस मिनिमम कितनी होनी चाहिए पर एक्टिवेशन मींस कितनी हमें देनी पड़ेगी, ये दोनों डेफिनेशन का बात समझ आ गया आपको, अगर डेफिनेशन क्लियर है तो बात समझ आएगी आपको मेरी, अगर किसी को डेफिनेशन क्लियर नहीं है तो बोलो मुझे एक बार, उस डेफिनेशन से लिंक बात चल रही है, डेफिनेशन से लिंक बात क्या चल रही है, इस ग्राफ के अंदर बस ग्राफ ये बोल रहा है आपको कि रिएक्टेंट के पास जो एनर्जी है उसको बोलते हैं एवरेज एनर्जी, मान लो वो है एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ग्राफ विद एनर्जी, मान लो एनर्जी है 80 पहले तो मैंने लिया एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स 80, चाहिए कितनी 20 हो लेनी पड़ेगी उनको, तो 20 लेकर कितनी लेगी 100, तो ये 80 शो किया मैंने, 100 तक पहुंचने के लिए एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा वो, तो 100 तक पहुंचा वो टाइम बढ़ता गया 100 तक पहुंच गया वो, जैसे 100 पहुंची रिएक्शन स्टार्ट हुई, जैसे 100 तक पहुंची 80 20 लेने के बाद 100 पहुंचते इन दोनों में ट्रांजिशन बना, तो 100 होते ही ट्रांजिशन बना, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट, बट ट्रांजिशन इज नॉट स्टेबल, सो इट इमीडिएटली ब्रेक टू फॉर्म द स्टेबल ब्लड, और स्टेबल आएगा तो एनर्जी कम होगी, तो एनर्जी कम होगी, अब कम होकर कहां जाएगा, दैट डिपेंड ऑन द रिएक्शन का नेचर, अगर एक्सो है तो ग्राफ जाएगा नीचे, क्योंकि एक्सो के अंदर रिएक्टेंट की एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है,
थोड़ी कम होती है क्योंकि रिलीज होगी एनर्जी। तो ये एक्सो ग्राफ है, एक्सो वाले में दिस इज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, दिस इज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, और एनर्जी रिलीज कितनी होगी, यहां 80 है, यहां मान लो 40 रह गई, तो ये एनर्जी रिलीज हुई यहां से यहां तक। ठीक है, आया सकते हैं दोबारा रिपीट करूं, 80 पहले थी, 20 उसने अब्सॉर्ब की, 80 से 100 होने में ये उसने अब्सॉर्ब की, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल थी, ये अनस्टेबल, अनस्टेबल मींस एनर्जी क्या चल रहा है, तो अनस्टेबल है। अरे हमेशा बोलता हूं केमिस्ट्री में रिएक्शन कब होती है, कोई लोग कब मिलते हैं आपस में, जब वो अनस्टेबल हो, जो दो लोग मिले हुए क्लास के अंदर वो अनस्टेबल जिसने मिले हैं जिंदगी में, उनको माँ बाप से ज्यादा प्यार आपस में मिला एक दूसरे से, इसका मतलब अनस्टेबल थे, अगर माँ बाप प्यार नहीं करते उनके तो अनस्टेबल है, समझ रहे हैं बात मेरी, तो वो मिले आपस में, उनको मिलने पर एनर्जी बढ़ गई उनकी, एनर्जी बढ़ी, बट अभी भी अनस्टेबल है वो, फिर टूटेंगे जब जिंदगी में, जब वो खुद टूटेंगे ना तो पता चलेगा कि असलियत तो कुछ और थी, माँ बाप हमें बहुत ज्यादा प्यार करते थे, याद है आपको शायद इस सिनेरियो बता रखी मेरे बात मैंने आपको, तो कल ये बात चली थी ना, कल की क्लास देखो अगर आप सभी लोग कल वाला देखो तब बात समझ आएगी जो कल बताया मैंने आपको। तो कल की टास्क के अकॉर्डिंग ये था ट्रांजिशन स्टेट में गई एनर्जी ज्यादा इसके अंदर, तो अब क्या करेगा वो एक्टिवेशन लेके यहाँ पहुंचा, लेकिन यहाँ पर क्या अनस्टेबल, अनस्टेबल क्या करेगा, टूटेगा, टूटने पर स्टेबिलिटी आएगी, स्टेबिलिटी आएगी तो एनर्जी क्या करेगा वो कम हो जाएगी, तो एनर्जी कम हो गई, अब कम होगा ग्राफ अगर यहाँ रुक गया तो फिर तो ग्राफ क्या है एंड होगा, ये तो ग्राफ का एंड होगा, और अगर एनर्जी और कम हो गई तो ये ग्राफ का एक्स होगा, तो कितनी होगी 40 यहाँ पहुंच गया, तो ये एनर्जी रिलीज हुई है भाई, एनर्जी रिलीज, समझे कुछ आ गया, चले आगे सभी, अरे कल वाली बातें सारी है, चले क्या सुशांत क्लियर, सब लोगों ने अगर कल क्लास लगाई थी तो कल वाली बात चल रही है इसके अंदर टॉपिक के अंदर, कल वाली क्लास की सारी जो कल लास्ट की बात चली थी दो एनर्जी के बारे में, ठीक है चले डन एंडो होता तो सुशांत अगर एंडो होगा तो ये ग्राफ यहां से ऊपर रहेगा, मतलब ग्राफ ऐसे बनेगा एंडो के लिए, एंडो वाले में ग्राफ ये से जाएगा, एनर्जी ऑफ एक्टेंट मॉलिक्यूल ई आर, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ई पी, ये ई आर एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, यहां पर ये रिएक्टेंट की है प्रोडक्ट की है उसमें प्रोडक्ट ऊपर आता है यहां पर इसे, तो ये एनर्जी अब्सॉर्ब होती है, अगर मान लो इसके 80 है प्रोडक्ट की मान लो होती सपोज 90 तो प्रोडक्ट ने 80 और 90 10 अब्सॉर्ब किया, 10 जूल अब्सॉर्ब किया, ठीक है एंडो वाले में वो 10 जूल मान लो अब्सॉर्ब हुआ तो प्रोडक्ट यहां आता, ये एंडो ग्राफ है, एक्सो में इतनी रिलीज कर रहा है वो 80 माइनस 40 40 ठीक। अब इसी में क्वेश्चन हमारे पास आ गए, बताओ मुझे सुशांत चले क्या, चलो ओके नेक्स्ट सेशन के अंदर एक आएंगे सिक्वेशन, एक क्वेश्चन है बहुत मेन न्यूमेरिकल आते हैं इस टॉपिक के बार, के इज इक्वल टू ए इंटू ई रेस टू पावर माइनस ई अपॉन आर टी, ये स्टार्टिंग है इक्वेशन की, ड्राइव करनी है आपको, तो ड्राइव करने से पहले ये रिलेशन है हमारा रेट कांस्टेंट का, ये रिलेशन आपको ड्राइव नहीं करना, ये डायरेक्टली याद करना है, इस रिलेशन में k को बोलते हैं k इज रेट कांस्टेंट, a इज कांस्टेंट है, अगेन a इज अ कांस्टेंट कॉल्ड प्री एक्सपोनेंशियल वेक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल
फैक्टर, ई इज एक्टिवेशन एनर्जी, एंड आर इज गैस कॉन्स्टेंट, एंड टी इज टेम्परेचर। हमें यहां पर ना टेम्परेचर से इफेक्ट निकालना है रिएक्शन की स्पीड का, टेम्परेचर से एक रिलेशन ड्राइव करना है आपको टेम्परेचर का विद द स्पीड ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। तो वो ड्राइव करने के लिए आपको ये स्टार्टिंग रिजल्ट है, ये k का रिलेशन आपका कि दिस k इज अ रेट कांस्टेंट, इट डिपेंड ऑन e एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल की पावर e / rt। बट ये रिजल्ट ड्राइव नहीं करना आपने, ये डायरेक्टली बस रिलेशन ध्यान देना आपने, इससे ड्राइव करना है रिलेशन आपको जिसके क्वेश्चन आपके NCERT में दिए हुए हैं। इसके मेरे पास नहीं है, आपके एक आधा क्वेश्चन वैसे बन जाएगा कॉम्पिटिटिव के लिए, वैसे बोर्ड लेवल पर नहीं बनते। इससे एक नई ड्राइव करेंगे हम लोग, लेकिन टेक नेचर लोग ऑन बोथ साइड, ए इज अ कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है, कुछ नहीं है, एक कोई भी एक कांस्टेंट है यहां पर, सिर्फ प्री एक्सपोनेंशियल तो बोला हमने क्योंकि एक्सपोनेंशियल ये ना उसके आगे लगा हुआ एक कांस्टेंट है ये, तो इसे बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल के आगे लगा हुआ इसे बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल। टेक लॉग ऑन बोथ साइड, टेक नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, नेचुरल लॉग दैट इज ln ऑन बोथ साइड, तो क्या बन जाएगा ये ln k इक्वल ln a into e की पावर माइनस ea / rt। और log m into n क्या होता है, log लिया, log m into n, log m plus log n, log m plus log n, पता प्रॉपर्टी सभी को, अरे log m into n, m into n, log m plus log n। अब प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा ये, ln k is equal to ln a, प्रॉपर्टी होती है log m की पावर n, log m की पावर n, प्रॉपर्टी होती है आगे आने की पावर, तो इट बिकम माइनस ea / rt एंड ln e, एंड ln e इज 1। तो ये क्या आएगा रिजल्ट, यहां से रिजल्ट आ जाएगा ln k equal to ln a माइनस ea / rt। अब हमारे पास ना बात चल रही है आपको इफेक्ट देखना है टेम्परेचर के साथ रिएक्शन की स्पीड का, तो आपको दो टेम्परेचर देगा वो एट गिवन टेम्परेचर T1, एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स T1 एंड T2, रेट कांस्टेंट आर K1 एंड K2, रेट कांस्टेंट्स आर K1 एंड K2, देयरफॉर जब बिकम ln K1, ln a माइनस ea / rt1, ऐसे ही ln k2, ln a माइनस ea / rt2। जब टेम्परेचर T1, जब टेम्परेचर T1 तो रेट कांस्टेंट K1, जब टेम्परेचर T2 तो रेट कांस्टेंट K2। तो ये बन गए दो इक्वेशन आपके पास, आपको रिलेशन ड्राइव करना है अरेनियस इक्वेशन में दो टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन की स्पीड पे क्या पड़ेगा। टास्क चल रहा है हमारा कि टेम्परेचर बढ़ने से या कम होने से रिएक्शन की स्पीड बढ़ती है या कम होती है, तो टेम्परेचर का इफेक्ट देखना आप लोगों ने रिएक्शन की स्पीड के ऊपर। तो टेम्परेचर T1 तो रेट कांस्टेंट T1, T2 तो K2, दोनों को माइनस कर लो रिजल्ट क्या आ जाएगा, ln K2 माइनस ln K1 इक्वल टू, ये से कट जाएगा, ये से कट जाएगा, तो दिस माइनस दिस, या लिख लो वरना एक बार ln a माइनस ea / rt2 माइनस ln a माइनस ea / rt1, रिजल्ट विल बी ln a माइनस ea / rt2 माइनस ln a प्लस ea / rt1, रिजल्ट विल बी यहां से ln log m माइनस log n, दिस इज log m / n, दिस इज ln k2 / k1, यहां से ea को मैं निकाल लो रिजल्ट क्या आता है ln k2 / k1 इक्वल टू ea / r इंटू 1 / t1 माइनस 1 / t2, या ea / r मल्टीप्लाई कर लो दोनों कैंसिल कर लो इसका, ये आ जाएगा t2 माइनस t1। और ln को क्या लिखते हैं, नेचुरल लॉग को बदलना हो आपको अगर, तो इस वक्त 2.4
303 log. This is Arrhenius equation. ये RAM account में drive करनी है ये पहले. HPSC वालों आपकी drive करनी आ सकती है ये. ड्राइव करने लिया क्या कई बार एग्जाम में हराना पड़ता है. सीबीएसई में ड्राइव करने नहीं आती. न्यूमेरिकल इसका आया हुआ बहुत न्यूमेरिकल बहुत बार आया हुआ इसका ड्राइव करना नहीं आया हुआ या इसका एक्स्ट्रा बोर्ड लाया था बेसिकली इसको इधर ले आओ. लॉग के टू बाई के वन इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 आर टी टू माइनस टी वन अपॉन टी वन टी टू. देखो फिर सुनवाई पॉइंट दोबारा से. ये क्वेश्चन आती है बेटा एग्जाम में. आई हुई बोर्ड वालों ड्राइव करनी आपको ये ड्राइव नहीं करनी. ये ड्राइव प्लेस याद रखना आपने अरिनियस का कि k इज डिपेंड्स ऑन एक्सपोनेंशियल की पावर e / rt. एक्सपोनेंशियल भी लॉगरिथम की तरह फंक्शन है हमारा मैथ्स का. तो k इज इक्वल टू ये a कांस्टेंट है प्री एक्सपोनेंशियल e की पावर माइनस e / rt. e इज एक्टिवेशन एनर्जी. एक्टिवेशन एनर्जी भी है मैं बोल रहा हूं कल से. एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो हमें देनी पड़ती है ताकि रिएक्टेंट मिल सके आपस में. क्योंकि रिएक्टेंट के पास एनर्जी कम होती है सिर्फ 80 जूल है चाहिए 100 जूल तो जो 20 देनी पड़ी उसको बोलते हैं एक्टिवेशन. एक्टिवेशन इज दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सो दैट देयर कोलिजन बिकम इफेक्टिव उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी. और थ्रेशोल्ड क्या होती है. थ्रेशोल्ड वो होती है जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को चाहिए होती है आपस में कोलाइड करने के लिए. जो चाहिए होती है वो थ्रेशोल्ड और हमें जो देनी पड़ती है वो होती है एक्टिवेशन. ये डिफाइन करना आया बहुत बार सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के अंदर डिफाइन एक्टिवेशन एंड थ्रेशोल्ड आ चुका है पहले दो तीन बार. तो थ्रेशोल्ड मतलब 100 जूल जो चाहिए भिड़ने के लिए. एक्टिवेशन जो हमें देनी पड़ रही है रिएक्टेंट्स के कोलिजन के लिए. समझे बात मेरी. थ्रेशोल्ड और एक्टिवेशन में फर्क क्या है बात समझ गए. तो इस फॉर्मूले में ये एक्टिवेशन निकालने का फॉर्मूला है आपका. यहां से एग्जाम में बोलेगा फाइंड एक्टिवेशन एनर्जी. एक्टिवेशन एनर्जी निकालो टेम्परेचर तुम्हें दिया होगा और के दिया होगा रेड मोशन. स्क्रीनशॉट लो एक बार इसका. ये यहां पर एक कौन सा है इक्वेशन मैंने यहां पर की बारी है इसको क्वेश्चन में बोल दो. ए सुशांत एनी कांस्टेंट है. ए इज अ कांस्टेंट सिंपली द नेम इज एक्सपोनेंशियल के साथ रहा है तो प्री एक्सपोनेंशियल. स्क्रीनशॉट को रिपीट कर रहा हूं एक बार जल्दी स्क्रीनशॉट ऊपर व्हाट्सएप पे बेटा स्क्रीनशॉट ले लो. कई लोगों को स्क्रीनशॉट लेकर आते हैं तो आप साथ नोटबुक पेन लेके बैठो आप बाद में नोट्स बनाते हो स्क्रीनशॉट से. एक बेटर ऑप्शन ये भी है कि मैं टाइम देता हूँ आपको करने के लिए. अगर आप साथ साथ नोट्स बना लोगे तो वो और बेटर है कि बाद में आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे. जिनको लगता है कि नहीं कर पाते साथ साथ तो वो स्क्रीनशॉट ले लिया करो. तो नोट करो जल्दी से नोटबुक में रखा करो अपने पास जल्दी. एलएन ई वन क्यों है. ए की वैल्यू गिवन होती है फिक्स नहीं है कोई भी. सुशांत यहां पर ए की वैल्यू फिक्स नहीं है और एल एन ई वन क्यों हुआ ये भी आपकी प्रॉपर्टी है लॉग के अंदर वरना आप लॉग के में लिखो वैल्यू. ये लॉग में लिखो आप जाके इसको लिखो 2.303 लॉग ई. ठीक है इसकी वैल्यू अगर आप निकालोगे तो लॉग ई की ई इज एक्सपोनेंशियल. एक्सपोनेंशियल इज एलएन को लॉग ई को लॉग ई होता है अप्रोक्सीमेट 2.7 के आसपास तो लॉग 2.7 निकालो तो वो बनेगा 1/2.303 और इनटू ये वैल्यू इसे कट के बन जाता है 1/2 सो इट कम्स अप टू 1. एलएन ई की वैल्यू आप खुद निकाल सकते हो आप घर पे भाई निकाल सकते हो बहुत आसानी से निकाल सकते हो. एलएन ई को आप देखो एलएन की वैल्यू होती है एलएन वैल्यू का 2.303 लॉग ई की वैल्यू एप्रोक्सीमेट 2.7 होती है और लॉग 2.7 की वैल्यू लगभग आएगी 1/2 इस काट के बन जाएगा 1. तो बेटर है कि आप डायरेक्टली याद रखो. ये हमने यूज भी किया पहले बहुत बार फिजिक्स में. एलएन ई इज 1 ये फिजिक्स में बहुत बार यूज किया रिजल्ट ये. लॉग बेस ई कैसे ई है लॉग बेस ई बाय लॉग बेस ई हो जाएगा. हाँ ये बोल दो डायरेक्टली बिल्कुल शांत यस
ये भी ठीक है। एक बार सब लोग दोबारा मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं, कैसे किया मैंने सुनो। स्टार्टिंग में स्क्रीनशॉट लेकर आया सभी, सुनो क्या किया मैंने ड्राइव में। स्टार्टिंग विद दिस इक्वेशन, जनरल इक्वेशन, इसमें टेक नेचुरल लॉग ln, ln को दोनों तरफ ln ऑफ k, ln ऑफ दिस, और log n into n, log n plus log n, प्रॉपर्टी है हमारी log n into n, that is log n plus log n, यूज किया हमने बहुत बार क्वेश्चन में, सबको ध्यान है ये, नहीं है ध्यान तो नोट कर लो इसको, log n into n, it become log m into n become log m plus log n, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग log m into n, log m plus log n, और log m की पावर n प्रॉपर्टी होती आगे आ जाएगा, log m की पावर n प्रॉपर्टी से आगे आ जाएगा, ये आगे आ गया, ln is 1, छोड़ दो इसको। अब आपके पास ना ये बताना कि टेम्परेचर से रेट कांस्टेंट कैसे बदलता है, टेम्परेचर आपको दो दिए होंगे क्वेश्चन में, दो टेम्परेचर दो रेट कांस्टेंट, तो दो टेम्परेचर क्या होगा T1 T2, रेट कांस्टेंट K1 K2, when temperature is T1 I take rate constant K1, when temperature is T2 I take rate constant K2, subtract 3 minus 2, subtract किया log m minus log n, it become log m by n, ये a से है cancel, ea by RT1, ea by RT2, ea by R common निकालो, LCM log T2 minus T1 बन जाएगा, T1 into T2, T2 minus T1, यहाँ से log को तो ln को log बनाओ, because log base 10 ही है हमारे को, हमारे पास जो log table है ना, log table में log base 10 आएगी, ln is log base e, we want log base 10, तो log base 10 के लिए लगाते हैं ये नंबर, हम बहुत बार लगाया है इसका नंबर, ये इसको इधर ले आओ, this is the relation, याद आ रहा है किसी को का, हाँ numericals करेंगे भी यार राधिका, yes, क्वेश्चन लिखो, कोई डाउट है तो बोलो किसी को, एनी डाउट चलेगा, शांतस 5 मिनट, नया सोनी 5 मिनट्स ओनली, बेटा स्क्रीनशॉट लो, चलें क्या आगे, सुशांत बस 2 मिनट, 5 मिनट में नहीं होगा सुशांत, अवनीश नमस्ते भाई कैसा है, हमें पता है 5 मिनट आपके, नहीं नहीं श्योर 5 मिनट, अरे तुम क्यों परेशान होते हो जल्दी, सिर्फ प्लीज 5 मिनट, मैं भी प्लीज कर रहा हूं, मेरी मान लो, लंबा प्लीज करूं क्या, अवनीश कैसे हो भाई, बैटरी 8%, ओके फाइन, ओके ठीक है, 90% का नोटिफिकेशन आया था 5 मिनट पहले, सुशांत बस 10% रह गया अभी, तो चलेगा ये 5 मिनट और, भगवान का नाम लो, वो जय महाकाल का, उसको बोलो सारे जय महाकाल, क्या कह रहे हैं,
ठीक है। जल्दी क्वेश्चन ट्राई करो। चलो दो तीन मिनट तो पढ़ लो, फ्री कर देंगे 2 मिनट में। ठीक है अमनीश, चलो क्वेश्चन करो जल्दी से फटाफट। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डबल करंट टेंपरेचर चेंज फ्रॉम 27 टू 37 और फाइंड इक्वेशन है जी, ये बताना आपको। अरे मुन्ना ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, क्या बोल रहे हो। टेंपरेचर चेंज हो रहा है 27 से 37, मतलब T1 27, T2 37 और रेट डबल हो रहा है। मैं हमेशा बोलता हूं कि रेट कांस्टेंट Infinite. It is not infinite, Radhika. हाँ, G for great and C for companion, champion. यस पांडे, जल्दी क्वेश्चन करो, बात करते हैं इस बारे में, टॉपिक पे करते हैं क्या डिस्कस, जीएनसी क्या होता है। एक बार क्वेश्चन पूरा करते हैं पहले, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं पढ़ना एक बार फटाफट जल्दी। हरियर अच्छा राधिका ठीक है, डिफाइन नहीं कर पा रहे हो। चलो बस लास्ट क्वेश्चन है, फिर ओवर करते हैं क्लास। लास्ट क्वेश्चन जल्दी करो। बड़े ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, बहुत बेहतर क्वेश्चन ये भी, वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डबल, आपका फॉर्मूला होता है एक्टिवेशन एनर्जी निकालने का, फॉर्मूला इज log k2 upon k1 दैट इज इक्वल टू ea upon 2.303 r into k2 minus t1 upon t1 into t2। रिलेशन दिया हमारे पास, उन्होंने कहा डबल हो रही है, डबल होने का मतलब रेट इक्वल टू k into रेट, जो k है हमारा दैट k into कंसंट्रेशन जो भी है बेटा। मैं हमेशा बोलता हूं कि दिस के इज रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बदलोगे तो ये बदलेगा, ये बदलेगा तो रेट बदलेगा। मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं, टेम्परेचर का डिपेंड है रेट कांस्टेंट से, रेट कांस्टेंट कब बदलेगा, किसी भी रिएक्शन के अंदर रेट कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर बदलेगा तो उस रिएक्शन का ये बदलेगा, और ये बदलेगा तो रेट बदलेगा। तो यहां पर कह रहे हैं कि रेट डबल हुआ, रेट रिएक्शन का डबल हुआ, रेट डबल मींस ये डबल हुआ, और ये डबल कब होगा, जब ये डबल होगा तो मींस रेट कांस्टेंट डबल हुआ। तो रेट कांस्टेंट कितना हो गया, इट बिकम्स लॉग ये हुआ डबल, मतलब पहले अगर के था तो अब कितना हो गया 2k, जब पहले के था अगर अब कितना हो गया 2k, और टेम्परेचर चेंज कितना हुआ, ई निकालना आपने, ई स्टैंड फॉर एक्टिवेशन एनर्जी, आर की वैल्यू 8.314 और टेम्परेचर कितना हमारे पास, टेम्परेचर चेंज हुआ 27 सेल्सियस से 37 सेल्सियस, इट इज 27 प्लस 273, इट इज 300 केल्विन और ये 310 केल्विन। तो चेंज कितना हुआ 310 से 300, तो फाइनल 310, इनिशियल 300 और नीचे 310 से 300।
शुड बी इन केल्विन, यहां से ये निकाल दो, आपको निकालना कैसे, ये निकालना बस, तो ये से कैंसिल, यहां से के टर्म कैंसिल हो जाएगी भाई, ये टर्म कैंसिल, log 2 इज 0.3010, यहां से ई निकालना है approximate 2.3 और 8.3 log 10 ओम, यहां से ई आ जाएगा 0.3 2.3 8.3 3/10 23/10 83/10 यहां से आंसर आएगा, डायरेक्ट आंसर हम बेटा वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है 53598 डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, तो उसे लिंक टर्म है ये वाली, तो कल ग्राफ दोबारा पढ़ेंगे उसका एक बार, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का। कोई डाउट है इसमें किसी को? बेटा बताओ कोई डाउट है तो स्क्रीनशॉट लो पहले इसका एक बार, एनी डाउट? हाँ, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का पढ़ेंगे उसको, एनी डाउट बोलो मुझे। चलो ओके, ठीक है राधिका, चलो मिलते हैं कल, फिर पढ़ के आना, मेक प्रॉपर नोट्स, ठीक है, ओके डन, बाय बाय। ओके भाई, ठीक है रजत, ओके।